आत्माओं की जर्नी होती रहती है। तो बाबू जी शिव को ब्रह्म कह सकते हैं? हाँ, शिव को ही ब्रह्म कहते हैं ना शास्त्रों में। ओके, देखो ब्रह्म, हम ब्रह्म जो कहते हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ जी, मनुष्य भी कहते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि जी, बिल्कुल। तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म माना उसका बच्चा है ना, ब्रह्म, ब्रह्म एक लाइट माना शिव हो गया ना। ओके, जैसे सभी धर्म वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में निराकार को तो मानते हैं ना, बिल्कुल मानते। जैसे जैसे यीशु ख्रिस्त ने भी क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट, लाइट माना ब्रह्म जी, परम लाइट माना ब्रह्म, शिव निराकार, जी, जी, शिव निराकार जी। और मुसलमान भी क्या कहते हैं, नूर, सारे जहां का नूर, नूर माना लाइट जी, तो ब्रह्म माना लाइट जी, तो महाशिव भी ब्रह्म कहा जाएगा। वो निराकार भी है हमेशा, शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव, निराकारी भी होते, इनके तीन रूप होते हैं हनको हमेशा। ओके, निराकारी होते हैं, आकारी भी होते हैं, और धरती पर होते वो साकारी होते हैं, इनके तीन रूप होते हैं, निराकारी, आकारी और साकारी, तीन रूप होते हैं, और तीनों रूपों से काम कराता है जी, जी। तो जब आत्मा जो जीव है वो भी शिव बन सकता है ना, मैंने वीडियो में बताया दूसरी जी जी जी, कि पूरी जीव शिव कैसे बन सकता है। हाँ, परमधाम में चला जाए जी, तो जीव शिव बन गया ना, परमधाम गया तो, परमधाम में चला गया तो आत्मा जो जीव था, जीवात्मा थी जी, मनुष्य था, वो मनुष्य जीव से शिव बन गया। तो वो हम शिव, हम शिव हम कहते हैं ना, तो शिव के बच्चे है तो बाप का, बाप का टाइटल बच्चों को मिलेगा ना, बिल्कुल। मनुष्य आत्मा कौन है, आत्मा तो परमात्मा की रचना है ना, बिल्कुल, तो शिव की रचना है ना जी, तो शिव बाप है जी, तो बच्चे उनकी रचना है जी, तो बाप का टाइटल बच्चों को मिलेगा ना, बिल्कुल। तो वो शिव है जी, तो बच्चों को भी शिव कहेंगे ना जी, कि नहीं कहेंगे, इसीलिए जैसे मैं पटेल हूँ जी जी जी, तो कोई भी, मेरा बाप भी पटेल था तो मैं भी पटेल हूँ। हाँ, वही सरनेम जो है चलती आ रही तो है, शिव सरनेम है, निराकार का कोई नाम नहीं है जी जी, और निरंजन निराकार कहते हैं ना भक्ति मार वाले जी जी जी, तो निराकार का कोई नाम नहीं होता, शिव तो नाम है, शिव आकारी का नाम है जी जी जी। तो आप निराकारी है शिवपुरी में है, और जो शंकर भगवान है वो शिव निराकारी परम धाम में है। ओके, शिवपुरी में शिव शक्ति आकारी है। ओके, और साकारी है हिमालय पे शंकर पार्वती जी परिवार के साथ आज भी है। शंकर का कार्य क्या है और शिव का कार्य क्या है? देखो शिव निराकारी का कार्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना, क्या जी निराकारी शिव कहते हैं ना, ऊपर वाला 24 घंटे तुम्हें देख रहा है जी, कम से कम वो कोई गंदा काम कर रहा है ना जी, अरे बोलता है भाई तू शर्म तो कर, ऊपर वाले से थोड़ा डर भाई, सही बात कहते हैं ना जी जी जी, ऊपर वाले से डर थोड़ा जी, तो ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है जी, तो जो परमधाम में बैठा हुआ निराकार शिव जी, अपने जैसे तुम लोग टीवी में देखते हो ना आज जी, ऐसी तरह उनकी बहुत बड़ी टीवी होती है परमधाम में। ओके, वो पूरा नजर रखता है। ओके, और नजर रखकर पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखता है जी, ऐसी तरह महाशिव भी परमधाम, महापरमधाम में बैठकर गैलेक्सी पर पूरी वॉच करता है जी, ऐसी तरह परम महाशिव भी पूरी यूनिवर्स में वॉच करता है जी, ऐसी तरह बेहद के विश्व का मालिक, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के ब्रह्मांड का मालिक भी, वो भी ऊंचते ऊंच परमधाम में बैठकर जी, वो भी बेहद के ब्रह्मांड को वॉच करता है, और जहाँ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो नीचे डायरेक्शन देकर वो काम करवाता है। पर बापू, अगर हम ज्ञान की बात करते हैं ना, हाँ, यही तो क्वेश्चन है, एक ज्ञान है और वो भक्ति है, बराबर है, मैं बात करता हूँ ज्ञान की, बराबर, ज्ञान माना परम प्रकाश, क्या जी, ज्ञान माना वेद माना ज्ञान जी, तो ये कॉमन सेंस है, जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है जी, शास्त्रों में क्या लिखा है, झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार, बिल्कुल, ये जग संसार झूठा है जी, तो फिर असली क्या है, अमर लोक का है जी, ये तो मृत्यु लोक है जी, तो अमर लोक का है जी, तो जाना चाहते हैं अमर लोक जी, फिर वो कहते हैं फिर अमर लोक जाएंगे, स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, बिल्कुल, फिर देवता बनेंगे, फिर स्वर्ग लोक से नीचे आएंगे धरती पर मनुष्य बनेंगे जी, फिर जन्म मरण का अगर पाप हुआ तो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, 84 लाख जन्म के चक्कर में काटते रहेंगे जी, तो इसकी बजाय हमारी मोक्ष हो जाए, क्या चाहते हैं बोलो, मोक्ष हो जाए, हमारी आत्मा का मोक्ष हो जाए जी, आत्मा का मोक्ष माना मुक्ति हो जाए, तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ओके, आत्मा रहेगी नहीं जी, उसको मोक्ष और मुक्ति कहते हैं ज्ञान की में। ओके, ज्ञान में जी उसको मोक्ष, और मगर आत्मा का अस्तित्व कब खत्म होगा जी, ये तो काल अग्नि में जब जलाएगा, अंत में विसर्जन करेगा ब्रह्मांड का मालिक शिव जी जी, सूर्य में प्रवेश करके तब अंतिम समय में विसर्जन होगा ना, आत्मा का विसर्जन माना मोक्ष कब होगा, क्योंकि साथ में होगा। आपके कहने का मतलब ये कि हर आत्मा जो है वो समय के साथ जुड़ी हुई है, और जो समय है वो शिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब जब तक शिव जो है काला अग्नि पैदा ना करे तब तक वो आत्माएं खत्म नहीं होती, माने उसका मोक्ष या मुक्ति नहीं होती। देखो ये ब्रह्मांड का समय जी शिव के हिसाब से चलता है ना, बिल्कुल।